और आप तमाम लोग जो मंच पे हैं और इस सभा में आए हैं, मैं आप सब लोग क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं संवेदनाएं देना चाहूंगा उन परिवार वालों को असम के अंदर जिन्होंने अपने बच्चों को पिछले 2-3 दिन में पुलिसिया दमन में खोया है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं और मैं धिक्कार देता हूं इस सरकार को जिसके पास लाठी गोली के सिवा जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि उन्होंने संविधान लिखा, इसमें आपको और मुझको और तमाम लोगों को बराबर का अधिकार दिया। मैं सलाम पेश करता हूं महात्मा गांधी का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन फिरका पसंद ताकतों के खिलाफ लड़ा और अपनी शहादत भी इनकी गंदी सोच के खिलाफ अपनी जान को शहीद कर दिया। मैं सलाम पेश करता हूं भगत सिंह को जिन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। मैं सलाम पेश करता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जिन्होंने ये बात बताई कि इस देश का अतीत और इस देश का मुस्तकबिल मुसलमानों के बिना अधूरा है। मैं सलाम पेश करता हूं राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्लाह खान का जिनकी दोस्ती ने बताया कि हमारे देश का संस्कृति हिंदू और मुसलमान इस मिट्टी में मिले हुए हैं और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये नाम चाहे अंबेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे इशफाक और बिस्मिल हो, इन नामों को मैं आज इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि आज एक कानून पारित नहीं हुआ है, एक विरासत पर हमला हुआ है और आज हम तमाम लोगों को अगर एकजुट होना है तो उस विरासत को बचाने के लिए एकजुट होना है। अगर आप हाल ही में देखें तो लगता नहीं इस सरकार के पास और इस सरकार के लिए इस देश में कोई समस्या है। अभी रिपोर्ट आई, सरकार 2016 से आंकड़ा छुपाई हुई थी, हाल ही में रिपोर्ट आई कि हमारे देश में 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। अमित शाह साहब के पास बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं उसका आंकड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि हिंदुस्तान में कितने बेरोजगार हैं तो उसका आंकड़ा वो नहीं दे पाते। ये रिपोर्ट आई कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का जीडीपी गिर रहा है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो हर दिन आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई, महिलाओं पर बलात्कार हुआ, लेकिन संसद के अंदर अगर आप उनकी बातचीत सुनेंगे तो लगता ही नहीं कि ये समस्याएं हैं, लगता ही नहीं कि सरकार को किसानों की समस्या से कोई 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 कंसर्न है, महिलाओं की समस्याओं से कोई कंसर्न है। 200 रुपए प्याज हो गई है लेकिन सरकार को कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर हमको लगे कि ये सरकार इस देश में विकास करने आई थी, अगर हमको लगे कि ये सरकार देश में रोजगार देने आई थी, तो जिन लोगों को ये लगता है तो मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब का वही गाना याद आता है, सोच रहा हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये विकास पुरुष नहीं है, ये विनाश पुरुष है। और जब मैं विनाश की बात करता हूं तो ये देश की सब कुछ को विनाश कर देगा, हमारे देश की संस्कृति को विनाश कर देगा, हमारे देश की एकता को भी विनाश कर देगा और अगर उसमें हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी विनाश हो जाती है तो ये वो भी कर देगा। ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन असलियत में अंबानी का साथ देश का विनाश और सिर्फ नागपुर का विश्वास है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पुराने वक्ताओं ने बता दी कि एनआरसी और सीएबी किस चिड़िया का नाम है। हम लोग जानते हैं कि सीएबी बाहर से रेफ्यूजी को नागरिक बनाने के लिए नहीं किया जा रहा, सरकार की रिपोर्ट खुद बोलती है कि चंद हजार लोगों को इससे फायदा होगा, जो बड़े बड़े आंकड़े गिराए जाते हैं सरकार की आईबी की रिपोर्ट खुद बोल रही है कि वो कुछ सब कुछ झूठ है। समस्या यह नहीं है कि पाकिस्तान में वहां की अकलियतों के साथ क्या हो रहा है, समस्या यह है और इनका एजेंडा यह है जो गोलवालकर साहब 1930 में अपनी किताब में लिख के गए थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को
हिंदुस्तान की अकलियतों को द्वयम दर्जे का नागरिक बना देना है। हम जानते हैं अमित शाह साहब एक दिन बोलते हैं कि सीएबी और एनआरसी अलग अलग हैं, अगले दिन बोलते हैं कि एनआरसी लाने से पहले हम सीएबी लाएंगे और जितने हिंदू सिख ईसाई और तमाम धर्मों के लोग हैं मुसलमान।